अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो में हम जमात दहम के लिए उर्दू मॉडल पेपर नंबर 6 यानी 6 ये हम शेयर कर रहे हैं। इम्तहानात की तैयारी के लिए ये मॉडल पेपर बहुत सूदमंद साबित होते हैं, तो आइए देखते हैं इसे। सवाल नंबर 1, अब इंसान को किसका अरफान हासिल होगा? इसके 4 जवाब लिखे हुए हैं और बी जूज जो है इंसान का, ये दुरुस्त है जवाब। अकबर के दौर में दीन की सरबुलंदी के लिए किसने सख्तियां झेली? ए जूज है जवाब, दुरुस्त है ये, हज़रत मुजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह। आइए, हमारे चैनल को आप खूब देखते हैं, बहुत ज़ौक शौक से देखते हैं, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल की ग्रोथ में अपना हिस्सा डालिए ताकि ये चैनल ग्रोथ करे और हम इसी तरह से रेगुलर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। सवाल नंबर 3 है, मुसन्नफ़ ने किस दोस्त को भेड़िया दोस्त कहा है? इसका जवाब बी जूज जो है वो दुरुस्त है, अहमद मिर्ज़ा। लड़की ने रेल का सफ़र किस दर्जे में किया? इसका जवाब दुरुस्त है, ए जूज इंटर। अपने गांव को छोड़कर चुगलखोर पहुंचा? इसका जवाब दुरुस्त है, ए दूसरे गांव। आगे है, डॉक्टर सराजुल हसन की एक खूबी ये थी कि वो थे सीजुज मर्दम शनास। अली बख्श को ज़मीन कहाँ दी गई थी? बी जुज है इसका दुरुस्त जवाब, लायलपुर। 8वां सवाल, फातमा बवक्ते शहादत किस फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ थी? जुज़ नंबर ए है दुरुस्त, पानी पिलाने में। सवाल नंबर 9, इंतहा तक पहुंचने की शर्त है? इसका दुरुस्त जवाब है, जुज़ नंबर ए इब्तदा करना। सवाल नंबर 10, दिल टूट कर किससे मिलता है? इसका दुरुस्त जवाब है, जुज़ नंबर डी मिल के भी जो नहीं मिलता। सवाल नंबर 11, पेट का हल्का होना ग्रामर की रो से है? जुज़ नंबर डी दुरुस्त जवाब है, कनाया। सवाल नंबर 12, वो फेल जिसका फाइल मालूम हो कहलाता है फेल मारूफ। सी जूज जो है वो दुरुस्त जवाब है, फेल मारूफ। सवाल नंबर 13 है, बनावट के लिहाज से इसम की इकसाम हैं 3। जूज नंबर ए दुरुस्त जवाब है, 3। सवाल नंबर 14, शाहसवार ग्रामर की रूह से है इसमें मुकब्बर। जूज नंबर डी दुरुस्त जवाब है, इसमें मुकब्बर। आगे सवाल नंबर 15 है, दुरुस्त तलफ़ है, जुज नंबर ए दुरुस्त तलफ़ वाला है लफ्ज़, ये मदरसा। तो अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।